जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फॉर यू में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्टर रिक्रूटमेंट 2022। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्टर का जो वैकेंसी है वो जारी कर दिया गया है। कितने पोस्ट के लिए भर्ती आया है इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूँ। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो आपको पूरी जानकारी देख पाएंगे। alljobs4u.com इस पेज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डायरेक्ट आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। और आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के आगे आपको क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप सभी को पता होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिस्टर का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है SSC के थ्रू अप्लाई हो रहा है। SSC का ऑफिशियल पेज से आपको जाकर अप्लाई करना होगा, SSC की वेबसाइट से। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा SSC.NIC.IN 17/5/2022, यानी कि आज ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है। नीचे आने को और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे देख पाएंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 17/5 से 16/6/2022 तक फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म अप्लाई का वो 16/6/2022 ही रहने वाला है। और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट रहने वाला है 17/6। उसके बाद यहाँ पर ऑफलाइन चालान का ये 18, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन करेक्शन होगा वो 21/6/2022 से 25/6/2022 तक आपका करेक्शन होगा, जो अगर आप गलती कर रखे होंगे अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन आपका सितंबर में होने वाला है। नीचे आएंगे तो और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सारी जानकारी आप देख पाएंगे SSC के थ्रू ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, SSC का ऑफिशियल वेबसाइट, दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। नीचे आने के बाद पे मेट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, लेवल 4 रहने वाला है, 25,500 से 81,100 लास्ट आपका ये पे स्केल रहने वाला है। सीरियल नंबर कैटेगरी UR SC ST OBC, यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ओपन आपको देखने को मिल जाएगा, ओपन में यहाँ पे 217 पोस्ट है जनरल के लिए, EWS के लिए 50, OBC के लिए 123, SC के लिए 59 और यहाँ पे 54 ST के लिए टोटल 503 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे 41 मैन के लिए यहाँ पे 56 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 559 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल के लिए और फीमेल के लिए। नीचे यहाँ पे दे रखा ओपन के लिए 246 और यहाँ पे टोटल यहाँ पे 276 पोस्ट के लिए भर्ती आया है, 276 टोटल है यहाँ पे, तो ये मेल और फीमेल दोनों का है। तो यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा, नेशनलिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंडियन है तभी आप इसके एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। एज लिमिट के बारे में आपसे बात करूँ तो 18 से 25 वर्ष के बीच में अगर आपका एज लिमिट आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका एज काउंट होगा 1/1/2022 तक का काउंट होगा, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला 2/1/1997 से और यहाँ पे 1/1/2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ये 1997 से 1994 के बीच में, तो आप इसके एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको निम्नानुसार छूट मिल जाएगा, SC ST को यहाँ पे 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का छूट देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे आएंगे और जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे एज में छूट, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD ऑन रिजर्व का 10 ईयर्स, वो PWD OBC का 13 ईयर्स, 15 ईयर्स SC ST PWD का, 21 मैन का यहाँ पे 3 ईयर्स, और भी यहाँ पे छूट दे रखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स आप आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हाइट आपका मेल का यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे चेस्ट बताया गया है मेल का नीचे जो छूट मिलेगा। बाकी डिटेल्स आप नीचे आकर चेक कर पाएंगे, इस नोटिफिकेशन दे रखा है। अगर आप एक बार में चेक करना चाहते हैं, आसानी से चेक करना चाहते हैं, तो www.alljobs4u.com पे विजिट करें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ वहाँ से भी जाकर आप चेक कर पाएंगे। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा इसका भी डिस्क्रिप्शन में। क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे बात करूँ, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी SPD यहाँ पर मांगा जाएगा, टाइपिंग भी इसमें मांगा जाएगा क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है। तो अगर इंग्लिश टाइपिंग आपका 30 है और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग आपका 25 है। बाकी और भी जानकारी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। NCC सर्टिफिकेट है, यहाँ पे C है, B है, A है, तो आपको यहाँ पे छूट भी मिल जाएगा, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। और नीचे आएंगे तो और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसी टॉपिक की बात करूँगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड 100 रुपये चार्ज देना होगा जनरल और OBC को, SC ST फीमेल कैंडिडेट को कोई चार्ज नहीं देना होगा। नीचे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 17/6 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी का रखा गया, आप इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स आप नीचे देख पाएंगे। जो आपका करेक्शन फॉर्म है वो 21/6 से
25 तक आपका फॉर्म का करेक्शन होगा। अगर फॉर्म में कोई गलती कर दें तो करेक्शन कर पाएंगे। एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। जैसे अगर आप यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। इसमें से कोई एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं एग्जाम सेंटर है, और यहाँ पे इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है और यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल जाएगा। जाएंगे तो यहाँ पे स्कीम एग्जामिनेशन या सिलेक्शन मोड आपको देखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, टेस्ट या एग्जाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद मिनिमम मार्क्स या क्वालिफाइंग आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, SSC के थ्रू 100 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पे 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे इसमें भी क्वालिफाई नेचर रहने वाला है। बाकी डिटेल्स नीचे आएंगे देखने को, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा पूरे क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा, और आपके पास 90 मिनट का समय रहेगा। 0.50 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। नीचे आएंगे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जनरल एविडेंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक यहाँ पे अर्थमेटिक स्किल आपको देखने को मिल जाएगा, और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल यहाँ पे नॉलेज से इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। उसके बाद कंप्यूटर आपका MS Excel ये सब वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। बाकी डिटेल्स नीचे आप देख पाएंगे, समय भी ऊपर यहाँ पर दिया गया, कितना समय लगा था लगे दिया जाएगा आपको, ऊपर 90 मिनट दिया गया था, तो यहाँ पे 90 मिनट समय ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स नीचे आप चेक कर पाएंगे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, इस पर आके एक आपको अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो आपका फिजिकल के बारे में यहाँ पर दे रखा है, फिजिकल जैसे आप देख पाएंगे अप टू 30 ईयर्स, तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना होगा। और यहाँ पर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, अगर अगर एबव 30 या 40 के बीच में आते हैं तो 8 मिनट रहने वाला है, एबव 40 से ऊपर आते हैं 9 मिनट रहने वाला है। ये सब आपका समय दिया जाएगा, हाई जंप, लो जंप, लॉन्ग जंप ये सब देखने को मिल जाएगा। मेल और फीमेल का भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे ऊपर मेल का था और यहाँ पे ये फीमेल का है, फीमेल का यहाँ पे ये भी दे रखा है आपको, एज आपका दे रखा है। उसके बाद 800 मीटर रनिंग करना होगा, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग जंप, हाई जंप। नीचे आएंगे तो और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, मेल कैंडिडेट का हाइट 1.65 होना चाहिए, और यहाँ पे आपको छूट भी मिलेगा 5 सेंटीमीटर फॉर अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो हिल एरिया से, ये सब देखने को मिल जाएगा। चेस्ट में आपको 78 से 82 रहने वाला है और 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। बाकी ST ST कैंडिडेट को जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये सब आपको विस्तार से देखने को मिल जाएगा jobsfree.com पे, वहाँ से जाकर चेक करना। फीमेल का हाइट ये रहने वाला है, छूट 5 मिलेगा यहाँ पे, इस एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं ST ST या यहाँ से, अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का छूट मिलने वाला है। उसके बाद नीचे और भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो और भी जानकारी जो दे रखा है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था, एग्जाम होगा, उसके बाद PT, PE और MT होगा, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम होने के बाद। ये सब जानकारी आप यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा यहाँ पे दे रखा है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, फोटो कैसा लगेगा, ये सब आप यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा। तो यही बताता आपको इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।